पहली बड़ी खबर आपको बता दें, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत वालू पुलिस स्टेशन द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल एवं मोहल्ला समिति समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीपी सदानंद दाते, डीसीपी संजय कुमार पाटिल, वालू पुलिस स्टेशन के पीआई कैलाश बर्वे व वीवीसीएमसी प्रभाग जी की एएमसी धनश्री सिंधे आदि उपस्थित थे। रात में घरफोड़ी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी से चार अपराधों की गुत्थी सुलझ गई है। इसके पास से 47,550 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम ब्रांच 3 विरार यूनिट की टीम ने की। जमीन में दबे प्राचीन सोने के सिक्कों को सस्ते दाम पर बेचने के बहाने ठगी करने के आरोप में विशाल धर्मा, संजू वालिया राय, शिवराम हीरालाल माली व मीना रामलाल सोलंकी में को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 किलो पीले रंग की नकली सोने की पत्ती और धन व मोतियों की वस्तुओं आदि जब्त किया गया। पालघर जिले में 6 संदिग्ध पशु तस्करों को पीछा कर दबोच लिया गया। आरोपियों ने अपने वाहन से वन कर्मियों को कुचल कर मारने की कोशिश की थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब वन रक्षक पालघर जिले के वाड़ा में खंडेश्वरी नाका पर वाहनों की जांच कर रहे थे। सूटकेस में बंद मिला 15 साल की स्कूली छात्रा का शव, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक 15 साल की स्कूली छात्रा का शव सूटकेस में बंद मिलने से सनसनी मच गई है। यह मामला मुंबई के नायगांव रेलवे स्टेशन का है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस आरोपियों की धर पकड़ के लिए अंधेरी स्टेशन से लेकर नायगांव स्टेशन तक सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार मुंबई के नायगांव रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को सूटकेस में बंद 15 वर्षीय स्कूली छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस छात्रा का नाम वंशिता कन्हैयालाल राठौड़ है और ये लड़की गुरुवार दोपहर से अंधेरी स्थित आवास से लापता थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। कातिलों की तलाश में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उन्हें नायगांव रेलवे पुलिस की ओर से फोन आया कि नायगांव रेलवे स्टेशन पर नए बने ईस्ट वेस्ट ब्रिज के पास झाड़ियों में एक लड़की के शव के साथ एक बैग मिला है। पुलिस ने बताया कि वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें बैग में लड़की का शव मिला। इस लड़की के पेट में चाकू के घाव भी थे। बैग में एक थैलिया और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। साथ ही अंधेरी के एक स्कूल की स्कूल यूनिफॉर्म भी थी। पुलिस ने बताया कि हमने फिर अंधेरी पुलिस को फोन किया और लड़की की पहचान की। छात्रा सुबह स्कूल के लिए निकली लेकिन शाम तक नहीं लौटी। अंधेरी पुलिस ने जानकारी में बताया कि लड़की सुबह अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी लेकिन शाम होने के बाद भी घर नहीं लौट पाई। तब घबराए माता पिता ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की लेकिन कुछ पता न चला। तब उन्होंने पुलिस को लड़की के लापता होने की सूचना दी। उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। पुलिस ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ ले जाया गया था या नहीं। पुलिस को अभी तक स्कूली छात्रा को चाकू मारने और मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का पता नहीं चला है। पुलिस अब अंधेरी से नायगांव स्टेशन तक रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है और आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही मृतक लड़की के घर और स्कूल व आसपास के इलाकों में सघन तलाशी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं जिससे कि पता लगाया जा सके कि वो कैसी लापता हुई। इस वारदात के बाद मुंबई स्थित वसई के वालू पुलिस स्टेशन में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आप देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। गणेश उत्सव को अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में एक जहरीली नीली बोतल जेलीफिश को मुंबई के समुद्र तटों पर देखा गया है। जेलीफिश के संपर्क में आने से जलन और सांस लेने में समस्या हो सकती है, इसलिए बीएमसी ने आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने का फैसला किया है। बृहन मुंबई नगर निगम के उपायुक्त हर्षद काले ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के साथ आवश्यक दवाएं डिस्पोजल साइट पर रखी जाएंगी। गणेश की अधिकांश मूर्तियां गिरगांव, दादर और जुहू समुद्र तटों पर विसर्जित की जाती है।
जानकारों के मुताबिक हर साल मानसून के दौरान जेलीफिश प्रजनन के लिए समुद्र तट पर आती हैं। जहरीली जेलीफिश को छूने पर दर्द होता है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। जेलीफिश का जहर गले में सूजन, हृदय रोग और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। जुलाई में मुंबई में भारी से भारी बारिश ने प्रसिद्ध जुहू समुद्र तट पर टार बॉल और जेलीफिश को देखा, जिसके बाद समुद्र तट पर तैनात लाइफगार्ड्स को समुद्र तट से दूर रखने के लिए निर्देश दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि जेलीफिश हर साल बरसात के मौसम में प्रजनन के लिए समुद्र तट पर आती हैं। मानसून जेलीफिश का प्रजनन काल है। मुंबई में पिछले कुछ सालों में 20 लोग जेलीफिश के शिकार हो चुके हैं।